आखिर इस पति ने क्यों काट दी अपनी पत्नी की पैर और कैसे ये इंसान अचानक अरबपति बन गया और हेडफोन में ये छेद किस लिए होता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15, एक तरह का मशरूम होता है जिसे अगर आप एक बार खा लो तो फिर उसके बाद आपको जिंदगी भर खाने की जरूरत नहीं रहती है। नंबर 14, आजकल लोग प्लास्टिक की वाटर बोतल से पानी पीते हैं और उसे ऐसे ही कचड़े में फेंक देते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या होती जा रही थी। इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तरीका अपनाया, एक चीज उन्होंने इन्वेंट किया। उन्होंने वाटर को स्टोर करने के लिए वाटर को वाटर बबल्स में चेंज कर दिया और इस बबल को जैसे ही आप अपने मुंह में रखेंगे वैसे ही ये लिक्विड स्टेट में चेंज कर जाएगा। इसे वैज्ञानिकों ने वाटर बबल्स ओहो का नाम दिया और बहुत ही जल्द आप इसे देखने वाले हैं। इससे पॉल्यूशन बहुत ही घट जाएगी। नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान सिगरेट पीता था लेकिन बाद में उसे लगा कि अगर वो इसी तरह से सिगरेट पीता रहेगा तो उसकी मौत बहुत ही जल्द हो जाएगी और उसने एक संकल्प लिया कि वो अब से सिगरेट नहीं पिएगा और वो पैसा जो वो सिगरेट में खर्च करता था अब वो उसे जमा करेगा। तो वैसे ही वो पैसा जमा करते गया और 6 साल बाद उसने उसी पैसे से एक अच्छी सी गाड़ी ले ली और बाद में वो आदमी अपनी ही कार में कार एक्सीडेंट के द्वारा मारा गया। बहुत बुरा हुआ इसके साथ। नंबर 12, वियतनाम में एक ऐसा होटल है जो पूरी तरीके से सोने का बना हुआ है, इट मींस गोल्ड प्लेटेड है। वहाँ की दीवार, रूम, गेट्स, यहाँ तक कि आपके टॉयलेट्स के सीट और आपके कॉफी का कप, इट मींस जिस कप में आप कॉफी पीते हैं वो कप भी सोने का बना हुआ है, इट मींस गोल्ड का बना हुआ है। क्या आप भी ऐसे किसी होटल में जाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। 11, क्या आप ये बात जानते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स पर जो बारिश होती है वो अलग अलग तरह की होती है। फॉर एग्जांपल हमारे अर्थ पर जो बारिश होती है वो वाटर, इट मींस पानी की होती है, लेकिन वीनस पर जो बारिश होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है और सैटर्न का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम टाइटन है, वहाँ पर बारिश मीथेन गैस की होती है और नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर बारिश डायमंड की होती है, इट मींस हीरे की बारिश। दैट्स अमेजिंग। नंबर 10, आज हम लोग कई सारी मशीनों का यूज करते हैं लेकिन जब ये मशीनें बनी होगी तो कैसे दिखती होगी, तो आज आप ये सारी चीजें देखने वाले हैं। ये है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो कुछ ऐसा दिखता था, दुनिया का सबसे पहला टेलीफोन, दुनिया का सबसे पहला कार, दुनिया का सबसे पहला यूट्यूब वीडियो, दुनिया का सबसे पहला रेफ्रिजरेटर, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस, दुनिया की सबसे पहली मोटरसाइकिल, दुनिया का सबसे पहला रोबोट, दुनिया की सबसे पहली बैटरी, सबसे पहला हेलीकॉप्टर, दुनिया का सबसे पहला कार एक्सीडेंट, दुनिया की सबसे पहली मिस वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला रेल इंजन, दुनिया का सबसे पहला कैमरा, जो कुछ ऐसा दिखता था। दोस्त, इस चीज के लिए तो एक लाइक जरूर बनता है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 9, 1986 में रोमानिया में एक केव खोजा गया जो कि 5 मिलियन सालों से पृथ्वी से पूरी तरीके से अलग थलग था। यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती थी, यहाँ पर ऑक्सीजन भी मात्र 10% था। ऐसी कंडीशन जहाँ पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, तब भी इस केव में कई रहस्यमय जीव पनपे। आप भी देखिए इन सभी जीवों को, ये सारे जानवर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नंबर 1, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता, अगर बीन बजानी ही है तो सांप के आगे बजाओ। ये बात तो आपने अक्सर सुना होगा लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जो स्नेक होता है वो किसी भी आवाज को नहीं सुन सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आप बीन बजाते हो तो स्नेक को नहीं सुनाई देता है कि आप बीन बजा रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो रिएक्ट क्यों करता है और वो कैसे रिएक्ट करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत ही जल्द अपनी अगली वीडियोस में दूंगा। नंबर 7, आप अपनी फोन में सिम का यूज करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर नहीं पता तो आज आप ये बात जान लो। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल और मैसेज करते समय आपने GIF का यूज तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नंबर 6, 2009 में एक स्टूडेंट ने बस मजे में $27 बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर दिए और उसे वो भूल गया कि वो कभी बिटकॉइंस भी खरीदा था। लेकिन बाद में 6 साल के बाद जब उसे याद आया कि वो भी कभी बिटकॉइंस खरीदा था, तब तक उस $27 बिटकॉइन का रेट करोड़ों में पहुंच गया और ऐसे वो मात्र 6 ही साल में करोड़पति हो गया। नंबर 5, क्या आपको पता है कि आखिर आपको प्यास कब लगती है? मतलब इसका कोई साइंटिफिक रीजन तो होना चाहिए ना? तो आज आप ये बात जान लो, जब आपके शरीर में वाटर की मात्रा 1% घट जाती है तब आपको प्यास लगती है। नंबर 4, धरती पर प्राकृतिक रूप से जो सबसे तेज आवाज क्रिएट होता है वो वोल्केनो के फटने से होता है। नंबर 3, एक लेडी थी
जो कि मार्केट से एक ऐसा पजामा खरीद कर लाई जिसमें स्नेक का डिजाइन बना हुआ था, और वो डिजाइन इतना ज्यादा रियलिस्टिक था कि देखने पर वो बिल्कुल रियल स्नेक लग रहा था। तो हुआ यूं कि वो लेडी वही पजामा पहनकर रात में सोई हुई थी और ब्लैंकेट से उसका पैर थोड़ा बाहर निकला हुआ था। जब उसका पति काम से रात में वापस लौटा और बिस्तर पर देखा तो उसे लगा कि एक रियल स्नेक बिस्तर पर है, और उसने बाहर से कुल्हाड़ी लाया और उसके पैर को काट दिया स्नेक समझकर। उसे लगा कि एक सांप है और लिटरली उसने उसके पैर को काट दिया। नंबर 2, गॉडज़िला फिल्म तो आपने जरूर ही देखा होगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर गॉडज़िला रियली में होता तो क्या होता? तो दोस्त होता तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको उसमें से एक फनी चीज बताना चाहता हूँ। अगर गॉडज़िला रियली में होता तो वो हर दिन लगभग इतना यूरिन प्रोड्यूस करता। नंबर 1, ईयरफोन्स का यूज कभी ना कभी हम लोग सभी ने किया है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ईयरफोन्स के पीछे ये छेद किस लिए होता है? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल एप्पल, आप उनके ईयरफोन्स को उठाकर देख लीजिए, आपको उनके ईयरफोन्स के पीछे छेद मिल जाएंगे। लेकिन आखिर ये छेद किस लिए होता है? हम लोग बस देखते हैं कि हाँ ये चीज होता है, बट क्यों होता है ये कोई नहीं सोचता है, और ना ही आपको कोई ये सारी बातें बताता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई मैं अभी जिंदा है आपको ये सारी अमेजिंग बातें बताने के लिए। दोस्त, ईयरफोन्स के पीछे ये जो छेद होता है उसका मेन रीजन ये है कि ईयरफोन के अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर सेम रहे। ऐसा इसलिए ताकि ईयरफोन की साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहे, ईयरफोन में बेस ज्यादा हो और जो साउंड आपको सुनाई दे वो बिल्कुल क्लियर हो। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग बेसिन के नल को खुला छोड़ देते हैं, या तो जल्दबाजी में या फिर गलती से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेसिन से सारा पानी नीचे गिरने लगता है, तो इसी चीज को रोकने के लिए बेसिन में ये छोटा सा होल बनाया जाता है ताकि बेसिन के अंदर से सारा पानी बाहर ना सके और आपका फर्श गंदा होने से बच जाए, तो इसका रीजन ये होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और इस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ताकि हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट उसी समय मिल जाए जब मैं उसे अपलोड करूँ। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में।